अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत मज़े के चपल कबाब बनके रेडी हैं, जो कि बिल्कुल अथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल हैं, सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। तो उसके लिए मैंने ले लिया 250 ग्राम से ज़्यादा कीमा है, बीफ का फैटी था थोड़ा सा, ज़्यादा फैट्स नहीं उनके, थोड़ा सा फैटी था, और उसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। उसके अलावा मुझे कुछ मसाला ज़्यादा चाहिए, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर मैंने फ्रेंड्स इसमें लिया है चिली फ्लेक्स, जो कि 1.5 टीस्पून था, और गरम मसाले में मैंने लिया है यहाँ पे क्यूमन, कोरिएंडर और ब्लैक पेपर, क्यूमन और कोरिएंडर भर भर के टीस्पून थे, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर था। 1 टीस्पून मैंने इसमें अनारदाना डाला, थोड़े से 3 से 4 मैंने यहाँ पे गार्लिक के क्लोव्स डाले हैं, 4-5 ग्रीन चिली चॉप कर ली हैं फ्रेंड्स, और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, मैंने जिन्हें चॉप करके पानी उनका निकाल लिया। 1 अंडा चाहिए मुझे फ्रेंड्स। उसके अलावा मुझे यहाँ पे मकई का आटा चाहिए फ्रेंड्स, मकई का आटा ही डालना है इसमें, आपने बेसन या फिर मैदा नहीं डालना, मकई का आटा ही डालना है आपने इसमें। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के चप्पल कबाब चाहिए तो आपने इसमें मकई का आटा ही डालना है। मसाला जात में आपने बस यही 3 चीज़ें डालनी हैं, कुछ और नहीं डालना आपने। फिर मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लिए, सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिलीज़ आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए, ज़्यादा तीखा चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं अपनी चिलीज़। उसके अलावा फिर मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़, गार्लिक, आपने इसमें जिंजर भी नहीं डालनी, गार्लिक ही डालिएगा। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अपना प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप करके, ये देखिए कितना बारीक सा चॉप हुआ है, और इसमें से मैंने वाटर निकाल लिया था, बिल्कुल ड्राई अनियन है ये। और मैं मकई का आटा भी इसमें डाल दूँगी फ्रेंड्स, और इसको मिक्स करना है फ्रेंड्स, मिक्सिंग इज़ द की, आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे मिक्स करते हुए। अब इसमें मैं टमाटर भी डाल दूँगी फ्रेंड्स, टमाटर मैंने मिक्सिंग के बाद ही डाले हैं, ऑलमोस्ट मेरी मिक्सिंग हो चुकी हुई थी, बिकॉज़ टमाटर थोड़ा पानी छोड़ते हैं, तो हल्का फुल्का मैं इसको अब मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और इस ऑयल में मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा मैश कर दूँगी इसको। जी फ्रेंड्स, अब इस अंडे को भी मैं उस कीमे में मिक्स कर दूंगी और एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। जी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मसाला हमारा मिक्स हो गया, और अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5-10 मिनट के बाद फ्रेंड्स तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट मैंने इसको 7 से 8 मिनट रखा है, अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ओरिजिनल आपको चप्पल कबाब, पेशावरी चप्पल कबाब का टेस्ट आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी फ्रेंड्स, हम इसको फ्राई करेंगे अब। 4 मिनट मैंने एक साइड को फ्राई किया, अब मैंने फ्लिप कर दिया इसको, ऐसे ही मैं दूसरे कबाब भी फ्राई कर लूँगी। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे आपके कबाब अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया। जी फ्रेंड्स, हमारे कबाब बनके तैयार हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको भी और आपके चाहने वालों को भी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।